कहानी कुलवंत खजरोलिया के संघर्ष की। आज कुलवंत खजरोलिया को कौन नहीं जानता है। कुलवंत खजरोलिया आज क्रिकेट जगत का जाना माना नाम बन चुके हैं। एक वेटर कैसे बना क्रिकेटर। आज आरसीबी की तरफ से वो गेंदबाजी करते हैं और अपनी गेंदबाजी से जलवे बिखेर रहे हैं। वैसे तो कुलवंत खजरोलिया मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान में वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। अपने दोस्त के होटल में वो वेटर का काम भी किया करते थे जो गोवा में है। कुलवंत का वेटर के काम में मन नहीं लगता था और उनको पता चल गया था कि उनका करियर जो है वो क्रिकेट में है, वेटर में नहीं। इसीलिए वो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस राजस्थान आ गए और उन्होंने फैसला किया कि वो अब क्रिकेट में अपना करियर बनाएंगे। और वो घर से झूठ बोलकर उन्होंने बोला घर में कि वो जा रहे हैं अहमदाबाद और वो आ गए सीधा दिल्ली। घर से बोला कि अहमदाबाद जा रहे हैं, उनकी ट्रांसपोर्ट में जॉब लगी है और वो आ गए दिल्ली। उनके पास ना पैसे थे ना उनके पास रहने के लिए घर था और उनके पास खेलने के जूते भी नहीं थे। तो संजय भारद्वाज सर ने उनको जूते दिए और वो इतने गरीब थे, बस उनके अंदर टैलेंट था। वो गरीब तो पैसे से थे मगर उनके अंदर टैलेंट से बहुत अमीर थे वो। और कुलवंत खजरोलिया ने वहाँ पर जमकर मेहनत करी, एलबी शास्त्री क्रिकेट एकेडमी में जमकर मेहनत करी। जब संजय भारद्वाज सर ने कुलवंत की मेहनत को देखा तो उन्होंने उनको हॉस्टल भी दे दिया और खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी। अब कुलवंत खजरोलिया को सब कुछ मिल रहा था। कुलवंत खजरोलिया ने पसीना बहाना स्टार्ट कर दिया और 2015-2016 में जमकर मेहनत करी। और नीतीश राणा और गौतम गंभीर ने जब दिल्ली के कैंप लगे हुए थे तो वहाँ पर कुलवंत को नेट बॉलर के रूप में ले गए। और वहाँ पर जब सिलेक्टर्स ने कुलवंत की गेंदबाजी को देखा तो उन्होंने दिल्ली की रणजी टीम में कुलवंत को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कुलवंत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और कुलवंत ने रणजी ट्रॉफी में भी धमाल मचाया। उसके बाद मुंबई इंडियंस ने भी 10 लाख रुपये देकर कुलवंत खजरोलिया को अपनी टीम में जगह दी। और उसके बाद कुलवंत खजरोलिया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से खेलते हुए दिख रहे हैं आपको और ये टीम विराट कोहली इसके कप्तान है। तो कुलवंत खजरोलिया इस समय विराट कोहली की टीम में अपनी गेंदबाजी से जलवे बिखेर रहे हैं। कुलवंत बताते हैं कि उनकी एज ज़्यादा होती जा रही थी और वो टेंशन में रहते थे कि उनका समय बीतता जा रहा है और आने वाले समय में वो आपको इंडियन क्रिकेट टीम में भी खेलते हुए दिख सकते हैं। तो कुलवंत खजरोलिया की कहानी आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और अपनी राय आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहानी कैसी लगी। ये सच्ची कहानी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।